हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी स्टेट प्रो बिल्डिंग डिज़ाइन थ्रो ऑटो कैड। तो व्यूवर ने रिक्वेस्ट की है कि इसका सेकंड पार्ट बनाया जाए कि जो हमने ये ऑटो कैड की ड्राइंग को इंपोर्ट किया था स्टेट में, उसके बाद कैसे कैसे आगे बढ़ना है, तो वही मैं करने जा रहा हूँ। तो ऑटो कैड में मैंने एक फाइल सेव की थी ऑटो कैड की डी एक्स एफ फॉर्मेट में, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। तो मैं फाइल में गया इंपोर्ट और ये DXF फॉर्मेट इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ये रहा सेव। ओके, वाई अप कर लेते हैं क्योंकि वो हमने प्लान बनाया था। ओके, यूनिट मिलीमीटर। ओके, ये आ गया देख। लेकिन ये प्लान देख रहे हो आप जो मैंने बनाया था, इतनी दूर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ना कोई स्ट्रक्चर होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बहुत छोटा है। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल ए किया तो देखिए यहाँ पे एक रेड कलर का मार्क आ गया है सिलेक्ट। इसको डिलीट करूँगा तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको केवल डिलीट करता हूँ, देखिए ये हो गया। उसके बाद कुछ एरर्स थे जो हमें रिमूव करने थे। कंट्रोल ए सिलेक्ट करके टूल में मुझे डुप्लीकेट चेक करना था मेम्बर्स, उसके बाद हमें चेक करना था नोट्स नहीं है, उसके बाद मुझे कमांड में जाके ज्योमेट्री में जाके इंटरसेक्ट करना था। लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ ये कैसे होता है। यहाँ तक करने के बाद हमने इसको ओरिजिन पे लेके आए थे, अभी ओरिजिन पे नहीं है, कोई एक जॉइंट ओरिजिन पे होना चाहिए, तो इसको ओरिजिन पे बनाते हैं हम। तो हमने क्या किया, ये वाला जॉइंट पे डबल क्लिक किया, ये रे कोऑर्डिनेट्स, ज्योमेट्री में जाएंगे, मूव टू ओरिजिन, यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी 1154.140, उसके बाद जेड में है 57.074। ओके कर देंगे, ओरिजिन में आ चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर बनाना। शिफ्ट प्लस के से आप जॉइंट्स को शो कर सकते हो। और हमने क्या किया, इसको पूरे को कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, ट्रांसलेट रिपीट टूल, वाई, 6 स्टोरे की बिल्डिंग है तो 6 स्टेप, 3 मीटर ईच स्टोरे की हाइट है, लिंक कर देंगे। ओके, बेस को बीम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे हमें सपोर्ट लगानी है। तो ज्योमेट्री सपोर्ट क्रिएट फिक्स सपोर्ट, फिक्स पे क्लिक किया, यहाँ से फ्रंट व्यू में जाएंगे, बिल्डिंग सीधी हो जाएगी। ट्रैक करके जब सारे जॉइंट सेलेक्ट करते हैं तो सारे सेलेक्ट हो जाते हैं बेस के, और हम असाइन कर देंगे। सपोर्ट लग चुकी है, उसके बाद हमें डिसाइड करना है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में सबसे पहले डिसाइड करना है बीम का साइज़। यूनिट चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे, जिससे हमें आसानी हो, मीटर किलोमीटर। अब यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे बीम का साइज़। बीम का साइज़ क्या डालना चाहिए, वैसे तो होता है स्पैन बाय 12, जैसे कि ये बीम है आपका, इस बीम की लेंथ है आपकी, यहाँ से मेज़र कर लेते हैं 3.72 मीटर, और अगर मैं कैलकुलेटर निकालूं तो 3700 इतना mm में डिवाइड बाय 12, डेप्थ 350 के अराउंड ले लेंगे हम, और विड्थ 250 ले लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर और बड़े बीम भी हैं हमारे पास 5 पॉइंट, तो अगर इसकी हम डेप्थ निकालें 5140 डिवाइडेड बाय 12 तो 450 होती है। तो क्या करते हैं हम जल्दी से 600x300 के बीम ले लेते हैं, और कॉलम ले लेते हैं 600x600 के, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगेगा चेंज, इसको भी चेंज करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगेगा क्योंकि यूनिट मीटर में है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बीम को देनी है, तो सेलेक्ट में गए बीम पैरेलल टू एक्स और बीम पैरेलल टू जेड, अप्लाई कर देंगे। लास्ट वाली प्रॉपर्टी कॉलम के लिए बीम पैरेलल टू वाई, अप्लाई कर देंगे। प्रॉपर्टी लग चुकी है, रेंडर व्यू में एक बार जाके देखना है आपको, सारी प्रॉपर्टी लग चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं लोड, तो लोड में सबसे पहला आएगा डेड लोड। डेड लोड के अंदर सबसे पहले ये जो मेज़रमेंट, इसको हटा देते हैं यहाँ से। डेड लोड के अंदर आएगा सबसे पहले सेल्फ वेट, इस सेल्फ वेट पे क्वेश्चन मार्क, यानी कि उसको अप्लाई करना है मुझे यहाँ पे, अभी अप्लाई नहीं हुआ है, तो इसको असाइन टू व्यू करते हैं। सेल्फ वेट लग चुका है, अब डेड लोड के अंदर आएगा, क्योंकि अगर आप बिल्डिंग को देखेंगे तो यहाँ पर इस बीम के ऊपर हमारी क्या होगी, इस बूम के बीम के ऊपर हमारी एक वॉल होगी इस तरह से,
इस तरह से वॉल होगी, तो इसका मतलब क्या है, इस बीम के ऊपर यूडीएल लगा हुआ है, तो वॉल का लोड हम कैलकुलेट करेंगे वो लगाएंगे। इसी तरह सभी बीम के ऊपर यूडीएल लगा हुआ है वॉल की वजह से, अगर जहाँ जहाँ पर वॉल है, अभी हम एज्यूम करें हर बीम के ऊपर वॉल है, ठीक है, तो हर बीम के ऊपर अगर वॉल है तो वॉल का लोड कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो डेड है तो यूडीएल हम लगा देंगे यूडीएल की फॉर्म में। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम वॉल का लोड, वॉल लोड ये टेम्परेरी में लिख रहा हूँ, ये चला जाएगा जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा ऐसे। वॉल लोड थिकनेस वॉल की, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो थिकनेस कितनी है, 9 इंची की वॉल 0.23 mm मीटर, डेंसिटी ले लेते हैं हम 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और हाइट तो 3 मीटर है हमारी, है ना। तो अगर हम इसको निकालें कैलकुलेटर, 0.23 थिकनेस इंटू हाइट 3 मीटर इंटू डेंसिटी 20, ये आ गया 13.8। तो मैंने डेड लोड पे क्लिक किया और ऐड किया यू डी एल मेंबर लोड के अंदर, यू डी एल 13.8 माइनस 13.8 एट, ऐड क्लोज, ठीक है। अब इसको किस पे अप्लाई करना है मुझे, सभी बीम पर, लेकिन याद रखिए पहले लगा देते हैं फिर याद करते हैं उस चीज़ को जो मैं बताने वाला हूँ। मैंने सारे बीम सेलेक्ट किया, एज्यूम किया है हर बीम के ऊपर वॉल है, और मैंने ये लगा दिया ये, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फ्रंट व्यू पे गया और टॉप का जो रूफ है उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, न्यू व्यू, ओके। देखिए ये टॉप व्यू है, यहाँ पर क्या वॉल लोड लगना चाहिए, तो पहले इसको हटाना है जो लोड लगा है। तो मैंने क्या किया, जिस लोड को हटाना है उस पर क्लिक किया, इस लोड को हटाना है मुझे, ठीक है, इस पर क्लिक किया पहले, उसके बाद ये सारे सिलेक्ट किए, यहाँ पे टॉगल होगा, देखिए टॉगल पे क्लिक किया और असाइन टू सिलेक्टेड, तो ये हट जाएगा, ठीक है। रूफ़ पे क्या होगा, रूफ़ पे तो भैया वॉल होगी ना आपकी, 1 मीटर की जो होती है बाउंड्री वॉल या ग्रिल होगी, तो उसके हिसाब से लोड लगेगा 1 मीटर के, हमने और जगह 3 मीटर के हिसाब से लगाया है ना। तो 13.8 को 3 से डिवाइड करो, अराउंड 4 के करीब आ रहा है, तो डेड क्लिक एड मेंबर लोड -4, ये है बाउंड्री पे, रूफ की बाउंड्री पे लगेगा केवल ये भी, और ये भी लगेगा केवल आउटर पे, इनर पे नहीं लगेगा, बाउंड्री हमारी आउटर आउटर पे होती है केवल। ये मैंने यूज़ कर्सर किया है, लोड असाइन यूज़ कर्सर, जहाँ क्लिक करूँगा वहाँ पे लगेगा। ठीक है, लग चुका है। अब फुल स्ट्रक्चर पे जाने के लिए यहाँ से, अब देखिए एक और चीज़, एक लोड और है यहाँ पे, लोड पे हटा देते हैं ये जो है आपका, यहाँ पर फ्रंट व्यू में देखिए, यहाँ पर हर जगह स्लैब भी तो बनेगी है ना बीम्स के ऊपर, तो स्लैब का भी डेड लोड लगेगा। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो स्लैब बनेगी उसमें मार्बल या पत्थर टाइल्स लगेंगी उसके ऊपर, उसका भी लोड लेंगे, लेकिन छत पे टाइल्स वाइल्स की जरूरत नहीं होती, तो छत का लाइव लोड जो डेड लोड होगा वो स्लैब का वो कम होगा, ठीक है। तो स्लैब का लोड कैसे निकालते हैं हम, थिकनेस इंटू स्लैब की थिकनेस इंटू डेंसिटी। तो देखिए कैलकुलेटर ले लेते हैं हम, थिकनेस मान लेते हैं 150 mm की थिकनेस है, डेंसिटी 25, स्लैब का लोड लगेगा 3.175, और इसमें ऐड कर लेते हैं हम 3.75 में तो टाइल्स का लोड 1, तो हो गया 4.75। तो 4.75 कहाँ लगेगा, 4.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसकी यूनिट, ये कहाँ लगेगा, यहाँ 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 स्लैब है, यहाँ स्लैब है, यहाँ स्लैब है, लेकिन यहाँ रूफ पे को कितना लगेगा आपका, 3.75, क्योंकि हम यहाँ पे टाइल्स का लोड नहीं ले रहे, ठीक है। तो ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोड लगाने के लिए हमें लेना होता है फ्लोर लोड, इसके लिए रेंज देनी होती है, 4.75 के लिए ये रेंज देनी होगी और इसके लिए ये रेंज देनी होगी। तो नोट कर्सर से अगर हम देखें कि यहाँ तक कितना हाइट है 15 मीटर, और यहाँ तक कितना है आपका 18 मीटर, और यहाँ तक हाइट कितनी है ये वाई देख 3 मीटर। तो मैंने डेड लोड पे क्लिक किया, ऐड किया एक फ्लोर लोड जिसकी वैल्यू है -4.75, जो कहाँ से लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लगेगा, तो 3 मीटर से 15 मीटर तक रेंज है इसकी, तो मिनिमम 3 मीटर मैक्सिमम 15 मीटर, और ऐड कर देना है क्लोज, क्लिक करके देखते हैं लग गया।
अब हमें डेड लोड पे क्लिक करना है, फिर ऐड करना है फ्लोर लोड, रूफ़ पे लगाना है हमें माइनस, डाउनवर्ड लगाने के लिए माइनस लगाते हैं, 18 मीटर पे लगाना है फ्लोर, तो 18 18 डालेंगे, एक ही फ्लोर पे लगाना है, ये लग गया। ठीक है, ये एरो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं यहाँ पे इन सब के लोड के, इनको ठीक करने के लिए यहाँ स्केल में जाएंगे, और यहाँ स्केल हमें करना है ये प्रेशर, प्रेशर किलोमीटर पर मीटर है ना, इसको छोटा छोटा करने के लिए वैल्यू को बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, कम हो गया थोड़ा, यूडीएल को भी कम कर देते हैं, यूडीएल की भी हाइट बहुत ज़्यादा हो रही है। अप्लाई स्केल में जाता है अप्राइमेटली, देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स ही रहा ना, ये देखिए कम हो गया ना, अब सही लग रहा है, ये हो गया लोड। लोड के हमने जो एरोज हैं उनको छोटा किया, लोड की वैल्यू को छोटा नहीं किया। अब ऐड करेंगे लाइव लोड, लाइव लोड, तो लाइव लोड के अंदर फ्लोर लोड ही लगेगा। रेजिडेंसी बिल्डिंग के लिए आई एस कोड 875 पार्ट 2 कहता है 3, तो -3 मैंने लगा दिया 0 से लेके 18 मीटर ऊपर तक ही लगा देते हैं। ठीक है, ये लगा दिया। अब एक लोड कॉम्बिनेशन बनाते हैं, डिफाइन लोड कॉम्बिनेशन जिसका है 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी, डेड लोड प्लस लाइव लोड, ये टाइटल है केवल, इस टाइटल अब इधर लोड ले गए, फैक्टर डाला 1.5, एड क्लोज। देखिए अभी मैंने लोड कौन कौन सा लगाया, डेड लाइव, इसके बाद होता है आपका सीज़मिक लोड, विंड लोड, उसके बाद कॉम्बिनेशन बनते हैं बहुत सारे, उसके बाद डिज़ाइन होता है, तो उसके लिए इसकी वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि सीज़मिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और विंड लोड के लिए ऊपर, तो आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है ना उसकी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, बहुत सारी ये सारी वीडियो में डाल चुका हूँ, जितनी भी रिक्वेस्ट आती है ना, जैसे ये मेरा चैनल है वीडियोस वर्ल्ड, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये वीडियोस आएंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे, जैसे ऑटो कैड की, ऑल वीडियो, स्टैट प्रो, जैसे स्टैट प्रो एक ये सीरीज़ है, स्टैट प्रो की 55 55 वीडियो हैं, इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ की लिस्ट आ रही है, यहाँ पे इस लिस्ट को आप देखोगे ना तो आपको सीज़मिक लोड, विंड लोड सब चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे स्लैब लोड, डिज़ाइनिंग, वेरिफिकेशन प्रॉब्लम, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। तो अब इसके बाद हमें एनालाइज करना है, डन, एनालाइज हो चुका है, बेंडिंग मोमेंट आप देख सकते हो, ये रहा, डिफ्लेक्शन देख सकते हो, शेयर फॉर सकते हो, इसको कैसे आरसीसी डिज़ाइन करना है वो सब आपको मैंने बता दिया, कि सारी वीडियोस, कुछ मेरे यूट्यूब व्यूवर्स का कहना है कि आप कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करते हो, कुछ का नहीं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो ढूंढिएगा, आपको सारी स्टैट के ऊपर लगे सारी वीडियो मिल जाएंगी, ई टाइप के ऊपर भी सारी वीडियो मिल जाएंगी, शियर वॉल डिज़ाइन, आरसीसी डिज़ाइन, सिज़मिक, सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, मैं उसी का रिप्लाई करता हूँ जो मैंने वीडियो अभी तक नहीं डाली है। और आप प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप कुछ सिविल इंजीनियर से रिलेटेड स्ट्रक्चर एनालिसिस की बुक, जियो टेक्निकल की बुक, www.engineersforcivil.com वेबसाइट है, और वहाँ से आप डाटा देखिए, यहाँ प्ले लिस्ट हैं जो सॉफ्टवेयर्स की, यहाँ से बुक्स आप कर सकते हो, और यहाँ पे आप नेक्स्ट पेज पे जाके और भी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।